हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बनाने वाली हूँ एक आयरन फार्म। क्या बोला तूने? अरे मुझे आता है यार बनाना। लल्लू पंजो समझ रखा है क्या मुझे? अब देखो तुम लोग। तो अभी सबसे पहले हम कुछ आयरन के टूल्स बना लेते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा आसानी पड़ जाए हर एक चीज बनाने में, जैसे कि सवेल, पिकेक्स, ये सब चीजें आयरन की मैं बना लेती हूँ पहले। तो चलो, जो टूल्स मुझे बनाने थे मैंने बना लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा दूर और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट कर। थोड़ी घास वास उग गई तो मैं इसे साफ कर देती हूँ। तो अब मुझे 9x9 का पूरा यहाँ पे चारों तरफ ब्लॉक स्टेप खोदना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का जैसे अभी आपको दिख रहा है। और अब मुझे नीचे डिप करना पड़ेगा। भाई हो चुका है नीचे डिप। एंड अब चलो, इतना काम हो गया। अब मुझे यहाँ पे प्लैंक का स्लैब लगाना पड़ेगा, तो मुझे इधर तो थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। एंड अब मुझे थोड़ी बहुत वुड भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम लोग स्लैब बना पाएंगे प्लैंक का। इतना बन गया है। अब मुझे विलेजर्स के लिए यहाँ पे बेड वेड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बेड लेके आते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको शेयर चाहिए, तो ये आयरन गोलम को मारना पड़ेगा, तो हम लोग को आयरन मिलेंगे, तो उससे हम लोग शेयर बनाएंगे। आज इस आयरन गोलम की शामत आई से पता नहीं है। अब इस पूरे विलेज पे मेरा कब्जा चलेगा। चलो, इसका काम तमाम हो चुका है। सबसे पहले शेयर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग चल के सिप से वूल निकालेंगे। अभी तक मेरे पास कुछ इतने बेड बन चुके हैं, और अब इन सारे बेड को ले जाके उस जगह पे प्लेस करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे मुझे विलेजर को भी लाना पड़ेगा। भाई बहुत सारा काम बाकी है अभी। भाई अभी विलेजर को लाने में मेरी जो हालत ख़राब होने वाली है ना, मैं क्या बताऊँ। दो विलेजर किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए बस। सबसे पहले हमको बोट बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले वुड काटने चलते हैं। भाई बहुत मेहनत मशक्क़त का काम है विलेजर को लाना। ये है हरामखोर कहीं का, चल गधों की तरह मैं खींच के ले जाऊंगी। देख रहे हो, मतलब मेरी हालत देखो यार, इसी बात पे लाइक कर दो। देख रहे हो कितनी मेहनत मैं कर रही हूँ पहले। चलो, इन दोनों को किसी तरीके से मैं यहाँ पे लेके तो आ गई हूँ। अब बस इन लोगों को अपनी तादाद बढ़ानी है, पूरे 20 विलेजर हो जाने चाहिए। चलो, अब मैं इसे पूरा सा ऊपर से ढक के फिर आपसे मिलती हूँ। पूरा जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, फाइनली ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। इधर मेरा स्टोरेज रूम है, और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे यहाँ पे जो हॉपर लगा हुआ है ना, उसको बनाने में लगा था। भाई इतना सारा आयरन लगा था इसको बनाने में, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। चलो भाई, अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, एंड मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो इसको एक लाइक दे देना। इस वीडियो को लाइक कर लगते हैं 20 लाइक्स। ओके, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।